आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, डॉक्टर साहब पर बहुत सटीक बैठती है पंक्तियाँ, चिंतन ही पूंजी है, उद्यम ही जरिया है और कड़ी मेहनत ही समाधान है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब रात दिन मिशन की उस त्याग और तपस्या की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रमरत रहते हैं। हम लोग दौरे में भी जाते हैं श्रद्धेय डॉक्टर के साथ में, लगातार परिश्रम में लगे रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, अखंड ज्योति के माध्यम से दिव्य प्रेरणाएं देते रहते हैं। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में विद्यमान हैं। अब संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम, हम साथ साथ चले, साथ साथ बोले और साथ साथ मिलकर हम मिशन की गति को आगे तक पहुँचाएँ, ऐसे विषय का प्रतिपादन करने के लिए सब लोगों की ओर से उनके चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं। कमर सीधी कर लें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। हम सूर्य भगवान को आराध्य को इष्ट मानकर, परम पूज्य गुरुदेव को उसकी मध्य मानकर, सूर्य मध्यस्थ गायत्री को अपना आधार मानकर, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया अपने जीवन में और लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को सुधार दिया, ऐसे युग ऋषि, ऐसे प्रज्ञा अवतार परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं आराधना के रूप में। युग ये अपनी युग गीता जो लिखी गई थी उसी में से लिए गए दो श्लोक हैं। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्या सुशोभितम कारुण्यामृत सागरम शिष्य भक्तादि सेवितम श्री रामम सद्गुरुम ध्यायेत तमाचार्य वरम प्रभुम तमाचार्य वरम प्रभु। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमें दक्षिण पश्चिम जोन महाराष्ट्र गोवा अन्य क्षेत्र से आए हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे अग्रज भाइयों, जोन के सभी हमारे भाई बहनों और हमारे बीच में बैठे हुए शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये विषय जो है आज का यह है संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम। पहले मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ अच्छी तरह से, तो फिर समझ में आ जाएगा क्यों आखिर इस विषय को लिया। संगच्छध्वं संवदध्वं ये जो है संज्ञान सूक्त है ऋग्वेद का, और ऋग्वेद की संहिता भाग चार का जो गुरुदेव ने लिखी 434 संहिता में, दशम मंडल का ये 191वां सूक्त है। 10/191 लिख सकते हैं आप, अगर कभी देखना हो तो कंटिन्यूएशन में है, पूरे पूरे पांच सूक्त हैं एक साथ हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इसका अर्थ बड़ा विलक्षण है। हे स्तोताओं, हे स्तुति करने वाले देवताओं, आप परस्पर मिलजुल कर चलें। संगच्छध्वं संबद्ध संगच्छध्वं का अर्थ है मिलकर चलिए, अलग अलग मत चलिए, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर, आप चलिए मैं आता हूँ, ये नहीं, साथ साथ चलिए, मिलकर चलिए। और मिलकर चलिए युग निर्माण के मार्ग पर, युग सृजन के मार्ग पर जो गुरुदेव ने बनाया है इस पर मिलकर चलिए। संगच्छध्वं संवदध्वं परस्पर मिलजुल करके स्नेहपूर्वक वार्तालाप करिए। संवदध्वं ये हम नहीं करते, मिलते तो हैं, अंदर न जाने कितने गुस्सा उसके लिए होता है, ईर्ष्या होती है, बड़ा स्मार्ट बना फिरता है, बड़ा ये बोलता है, वो बोल समझता है कि अच्छा 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 श्रोत अच्छा वो प्रवचन दे देता है, उससे अच्छा प्रवचन मैं दे देता हूँ। प्रवचन देना और लिखना या बहुत अच्छे कर्मकांड करा लेना, गुरुदेव ने इसको कैटेगरी नहीं माना है श्रेष्ठता की कैटेगरी मानी गुरुदेव ने साथ साथ चलना, साथ साथ चलना
और दूसरा माना है गुरुदेव ने वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर। कितने विनम्र आप हैं, कितने पोलाइट आप हैं, ये दो कैटेगरी के आधार पर कार्यकर्ता का मूल्यांकन यहाँ भी होगा, ऊपर भी होगा, हिमालय में भी होगा, और जहाँ गुरुदेव मौजूद हैं उस लोक में भी होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग साथ साथ चलने की स्थिति में है कि नहीं, साथ साथ वार्तालाप करने की स्थिति में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं वार्तालाप का समय आता हो तो हमारे मुँह एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल में हो जाता हो। नहीं साहब, मैं इनके सामने बात नहीं करूँ, मैं इनसे मेरी इनसे बनती नहीं, ये मेरी इनसे बनती नहीं ना, वहीं पर वार्तालाप नहीं होता। तो आत्मीयतापूर्वक वार्तालाप करें, आत्मीयतापूर्वक वार्तालाप करें बहुत बड़ी बात है। मतलब वार्तालाप में भी क्या होता है, कई बार मिठास होती है, पर वो मिठास उसकी होती है चापलूसी की, चापलूसी वाली मिठास नहीं, ये असली मिठास होनी चाहिए, असली मिठास, ऐसी मिठास जो हृदय से निकल के आ रही है, वो मिठास हमारा आपके प्रति भाई जैसा प्रेम है, क्योंकि आप और हम दोनों एक ही गुरु के बेटे हैं, तो हम दोनों भाई हैं, गुरु भाई, हम दोनों गुरु बहनें हैं, हम दोनों गुरु भाई गुरु बहन हैं। ये बात यदि रहेगी तो संवदध्वम समझ में आ जाएगा। संवदध्वम, संगच्छध्वम का अर्थ है मिलजुल कर चलें, संवदध्वम का अर्थ है परस्पर मिलकर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। संवो मनांसि जानतम, आपके मन समान विचारधारा वाले हों, समान विचारधारा वाले हों, ऐसा नहीं कि इसके मन में कुछ और चल रहा है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। इसीलिए गुरुदेव ने साहित्य लिख दिया, 3200 किताबें लिख दी, इतना प्रवचन दे गए, 50,000 से ज़्यादा प्रवचन गुरुदेव के उपलब्ध हैं, जगह जगह से प्रवचन आते हैं, तो सबके सब इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग। इतना अमृत जीवन को दिशा देने वाला प्राण अमृत संजीवनी किसी ने नहीं लिखा, किसी गुरु ने अपने शिष्यों के लिए इतनी बड़ी पूंजी नहीं छोड़ी जितनी बड़ी पूंजी गुरुदेव छोड़ के गए। तो उसका चिंतन करिए, उसका विचार करिए, और निरंतर उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, और यतयः संशित्रुतः, यतयः यति लोग जो तपस्वी लोग हैं वो इसको कठोर नियमों का पालन करते हुए करते हैं। कठोर नियम क्या है, रेगुलरिटी, रोज पढ़ना है, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, तो ये जो अखंड ज्योति आती है इसको भी नियमित पढ़ना है, और गुरुदेव के साहित्य को भी नियमित उसे पढ़ना है। तो ये स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये चौथे अध्याय का 28वां श्लोक है, गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक है। तो इसको आप स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ को जब भी समझेंगे समझ में आएगा कि गुरुदेव को आत्मसात कर रहे हैं हम, गुरुदेव को जीवन में उतार रहे हैं। ने सबसे बढ़िया गुरुदेव से वार्तालाप करने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है बस, कि हम गुरुदेव के विचारों को पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें, सारा मार्गदर्शन उसमें है। और वो एक बार पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है, ऐसा बोलते हैं ना उनको मैं बोलता हूँ, आप 1000 बार पढ़ लोगे तो भी कम पड़ेगा, इतना लिखा है गुरुदेव ने। मतलब आप पढ़ते जाइए जब तक कि आपको ये ना लगे कि आप पूरी, इसलिए प्रवचन के लिए पढ़ना इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, यज्ञ या कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके अपने लिए, आपके अपने खुद के विकास के लिए, आत्मविकास के लिए, और ये जो सबसे बड़ा ये है संगठन के विकास के लिए, संगठन के विकास के लिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय से, साधना से भी बड़ा अगर कोई चीज़ अगर हो सकती है तो साधना से बड़ी कुछ हो सकती है स्वाध्याय। जो स्वाध्याय करता है उसको साधना की सहज प्रवृत्ति होने लगती है, जो स्वाध्याय नहीं करता उसको नहीं होती। आज लोग स्वाध्याय करते हैं तो न्यूज़पेपर का करते हैं, उपन्यासों का करते हैं, या पत्रिकाओं का करते हैं, ये स्वाध्याय नहीं है, ये तो मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं बल्कि अपने अंदर ज्ञान का अभिवर्धन। तो समान विचारधारा वाले लेख होकर ज्ञान अर्जन करें, ये दूसरी लाइन का अर्थ है। तीसरी लाइन का अर्थ है, पूर्व काल में गुरुदेव ऋषि जो जिसने वेद की ऋचा बोलती है, जिस प्रकार पूर्व काल में भी सज्जनों ने एक साथ मिलकर यज्ञादि कर्मों को करते हुए देवों की उपासना की थी, उसी प्रकार आप सब भी एकमत हो जाओ। बिल्कुल स्पष्ट भाषा है, आप सब एकमत हो जाओ, दो मत वाले कई मत वाले मत बनो। न जाने कितने की हमारा तो ये चिंतन है, हम तो ये सोचते हैं, आप होते कौन है सोचने वाले, आपकी खुद की विचारधारा कहाँ से आ गई। अरे भाई, जो गुरुदेव की विचारधारा हम बहरे हो, जब ट्यूनिंग वो होगी तो फिर मान ले ट्रांजिस्टर में एक ट्यून पे आपने लगाया है और उसमें पता चला कि दूसरी भी आवाज़ आ रही है, कह रही है कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। आप नहीं सुनोगे वो से स्टेशन जिससे स्टेशन में दो आवाज़ आती हूँ, तो आपकी आवाज़ सब हर एक की आवाज़ सबकी आवाज़ एक ही होनी चाहिए। इसलिए ये संघ छद्म मनांसी जानतम, इसी पर्पस से इसी उद्देश्य से आपको बुलाया कि अगर उपासना करते हुए हम साथ साथ चलेंगे और सभी संगठन को महत्व देंगे
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चीज़ याद रखेंगे विवेकानंद की। विवेकानंद ने कहा था, वन हु इज़ लॉयल टू संघ इज लॉयल टू ठाकुर। जिसकी संघ के प्रति निष्ठा है उसकी ठाकुर के प्रति निष्ठा है, जिसकी संघ के प्रति निष्ठा नहीं है वो ठाकुर रामकृष्ण देव का शिष्य नहीं है या ठाकुर रामकृष्ण देव को नहीं मान। कई लोग कहते हैं अरे हम गुरुदेव को तो मानते हैं, माता जी को मानते हैं और गायत्री परिवार को मानते हैं, पर हम इनको नहीं मानते, इस शक्तिपीठ को नहीं मानते, इसके विचारधारा को नहीं मानते। अरे ये सब अलग अलग कैसे हो गए, सब एक ही हैं। आप अगर पूरे संगठन को मानते हो और संगठन के साथ चलने को तैयार हो तब तो आप गुरुदेव को मानते हो, नहीं तो नहीं मानते, उल्टा चलेगा बिल्कुल। ये संगठन को महत्व दोगे तो गुरुदेव की मान्यता आपके लिए साथ जुड़ जाएगी और आपको लोग गुरुदेव का शिष्य कहेंगे। बस इसलिए बुलाया आपको, सारे ट्रस्टियों को, सारे शक्तिपीठ के कार्यकर्ताओं को, सारे फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, जहाँ शक्तिपीठ नहीं है वहाँ के भी काम करने वाले कार्यकर्ताओं सबको आपको इसलिए बुलाया कि आप बहुत ही उर्वर क्षेत्र से आए हैं, उस क्षेत्र से आए जहाँ संतों ने उपासना की, जप किया, तप किया, प्रार्थना की और संघ चलाए हैं। संघ चाहे वो हमारे गुरुदेव का द्वितीय जन्म हो समर्थ गुरु रामदास के रूप में, और चाहे वो संत तुकाराम का हो, भक्ति की धारा बही है संत एकनाथ हो, चाहे वो हमारे ज्ञानदेव हो, इन सब ने वहाँ पर तप किया है। इसके अलावा समाज सुधारकों की पूरी पूरी विचारधारा वहाँ से निकली है। हमारे जो विभिन्न प्रकार के गाड़गे जी महाराज से लेकर के महर्षि कर्वे से लेकर ये सब के सब वहीं के निकले हुए महापुरुष हैं। तो सबसे पहले अलग जगह है, अगर जागरण हुआ है और अगर सोशल रिवॉल्यूशन हुई है, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। तो वहाँ उस महाराष्ट्र में तो मिशन का प्रचार इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा साहित्य मराठी में अनुवाद कर दें, कोंकणी में अनुवाद कर दें कि देखते देखते पूरे क्षेत्र में मिशन फैल जाए। ये हमारे मन में भावना आनी चाहिए। आप उस क्षेत्र से हो जहाँ दक्षिण की काशी है, पुणे दक्षिण की काशी स्थित है। आप उस क्षेत्र से हो जहाँ पर कि गोदावरी बहती है और जहाँ नासिक में कुंभ लगता है। तो ऐसे पावन क्षेत्र में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को अपन किस तरह से ज़्यादा घनीभूत कर सकते हैं। अभी तक जो हो गया सो हो गया, चलो अब आगे हम काम बढ़ाएंगे कैसे, संगबद्ध होकर एक साथ चल के, ठीक है ना। अब यहाँ से चलते हैं। ये जो संगठन सूक्त है इसकी परिभाषा सुनने का मतलब है लेटस बी टुगेदर, हमें साथ साथ चलना चाहिए। लेटस इंटरेक्ट टुगेदर, हम केवल साथ चलना ही नहीं है एक दूसरे के साथ काम भी करना है। लेट अवर माइंड्स कॉम्प्रहेंड टुगेदर, हमारे मन साथ साथ संभव मनान से जानता हूँ। एंड लेट अवर इंटेंशंस भी यूनाइटेड, हमारे इंटेंशंस अलग अलग ना हो। इंटेंशंस हमारे कहने का अर्थ भाव, कई बार हम द्विअर्थी डायलॉग बोलने लगते हैं, वो डायलॉग जो है गायत्री परिवार में नहीं चलेंगे, ये मान के चलिए। गायत्री परिवार में आपस में जब हम बात करेंगे भाइयों से, बहनों से, गुरु 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 भाई से, गुरु बहन से, इस रूप में बात नहीं करेंगे। मित्रों, ये जो मिशन है ये मिशन महाकाल का, महाकाल के घोंसले से निकला है। युग निर्माण योजना विचार क्रांति की एक ऐसी विचारधारा है जो वास्तव में सही अर्थों में एक हमको दिशाधारा देती है कि अवतार कैसे आते हैं, अवतार कैसे आते हैं। अवतार तब आते हैं जब एक तरह से प्रवाह जो है ऐसा हो जाता है जिसमें कि असुरता संव्याप्त हो जाती है, तब अवतार आते हैं। जब जब डगमग हुई नाव की, अब ये गीत सुना ना आपने, तब तब लेते हैं अवतार। तो ये जो जितने अवतार आए, चाहे वो परशुराम का अवतार हो, चाहे राम का अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण का अवतार हो, चाहे बुद्ध का अवतार हो, और चाहे गांधी का अवतार हो, चाहे विवेकानंद का अवतार हो, और चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव का अवतार हो, अवतार यानी उतरना, अवतार यानी उतरना। संभवामी युगे युगे, हमेशा हर युग में आते हैं, अवतरित होते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो ऊपर जरूर कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी, जहाँ रहते हूँ उच्च स्तरीय लोक से नीचे उतरना, यानी मनुष्य लोक में आकर के मनुष्य के रूप में काम करना, मनुष्य के रूप में उनके उनके जैसा काम करना, उनके बीच में काम करना, और उनके बीच में काम करते हुए उन्हें दिशा दे देना। तो ये जो अवतरण हुआ है परमात्मा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का, हमारे बीच में आए और ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला बनाते चले गए। ये सब क्यों किया उन्होंने, क्योंकि आज के युग में इस तरह का ही विचार क्रांति का सरंजाम बनना चाहिए था। जब जब जैसी ऐसी परिस्थितियां हुई, सामूहिक प्रयासों से ही सारे के सारे अवतारों ने काम किया। आप देखें भगवान राम के ज़माने में बहुत कुछ असुरता का साम्राज्य संव्याप्त था, उनको विश्वामित्र ले गए बहुत यंग एज में,
गुरुकुल से आए ही थे, थोड़े दिन हुए थे, माँ बाप के पास, तीनों माँ और पिता के पास रहते रहते थोड़े दिन हुए थे, पर वो ले गए। बोले मैं आपसे मांगने आया हूँ, इनको मैं प्रशिक्षित करूँगा, प्रवीण बनाऊँगा, भला अति भला सिखाई, शायद गायत्री सावित्री विद्या सिखाई, और उसके साथ साथ उनको पूरी तरह से सारी युद्ध विद्याओं में पारंगत किया, कई अस्त्र दिए, कई दिव्य अस्त्र दिए। विश्वामित्र गायत्री के प्रणेता, गायत्री मंत्र के दृष्टा, यानी आप देखिए कि श्री राम और लक्ष्मण की शुरुआत कहाँ से होती है, जीवन की गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है। चरु जो लिया था दशरथ की तीनों पत्नियों ने जो खाया था, वो भी गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिया गया था। गायत्री मंत्र वहाँ भी है, 24 अक्षर का सबसे छोटा समग्र धर्मशास्त्र, 24 अक्षर का एक ऐसा धर्मशास्त्र जो नवयुग का संविधान है, वो गायत्री मंत्र शुरुआत से हुआ है, और उसी से चला है। भगवान राम को उन्होंने कहा इनको दे दीजिए, मैं इनसे इनको प्रशिक्षित करके भेजूंगा। प्रशिक्षण उद्देश्य नहीं था, विश्वामित्र चाहते थे भगवान का साथ, वो चाहते थे इन दोनों को, मैं इन दोनों के माध्यम से मैं पूरे राक्षसत्व जो छाया हुआ है, असुरत्व जो छाया, उससे जूझना चाहता हूँ, धरती खाली करना चाहता हूँ। वो ले जाते हैं ताड़का और सुबाहु मारीच, सब जो जितने लोग यज्ञ में विघ्न डालते हैं उनसे लोगों को बचाते हैं, यज्ञ करने वाले ऋषियों को, ऋषिगणों को बचाते हैं। ऋषिगण बड़े पावरफुल हैं, इसमें कोई शक्ति नहीं है, पर वो उन आसुरी शक्ति वाले तपोबल के धनी राक्षसों से नहीं जूझ पाते। वो तपोबल के धनी हैं पर योग नहीं आता उनको। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मताधिक, कर्मभिश्चाधिको योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण छठे अध्याय में आखिरी श्लोक ये कहते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से ज़्यादा योगी श्रेष्ठ है। तो जो तप करते हैं ना, वो करते हैं असुर, और जो जितने भी देवता होते हैं वो योग करते हैं। जब वो देवलोक से धरती पर आते हैं तो योग करते हैं। योग कौन सा है? वो वाला योग नहीं जो हमारे लोग बाग सिखाते हैं अभी, वो वाला योग नहीं। योग वो जिसमें परमात्मा से मिलन की हम लोग बात करते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये वाला योग। और इस योग में भक्ति योग, कर्मभिश्चाधिको योगी, सकाम कर्म से भी ज्यादा योग श्रेष्ठ है। और तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन जा, मैं तुझे योगी बना। क्यों? तस्माद सर्वेशु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, बार बार फिर उसी बात को आठवें अध्याय में रिपीट करते हैं, तू समस्त कालों में, समस्त समयों में तू योग युक्त हो। योग युक्त मतलब हमेशा परमात्मा को मन में रख, स्मरण रख। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर। आपको भी मित्रों गुरुदेव का स्मरण करते हुए युद्ध करना है। किन से युद्ध करना है? अपनी दुर्बलताओं से, अपनी कमजोरियों से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने आप से पहले युद्ध करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखते देखते आप जीतते चले जाएंगे। सबसे पहले अपने आप से, इसलिए गुरुदेव ने आत्मनिर्माण कहा। उसके बाद जब आप निर्माण कर लोगे तो आपकी छवि परिवार में ऊंची हो जाएगी, आप परिवार निर्माण भी कर सकोगे। अभी तो आप खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पाए तो फिर बच्चा आपसे ही कहेगा कि आपने तो किया नहीं जीवन में कुछ, तो हमें क्या बता रहे हो। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, फिर उसके बाद समाज निर्माण, तब जाके समाज को आप कहने की स्थिति में हो। पीले कपड़े पहनकर जाके यज्ञ तो करा लेते हो, पर आप अपने जीवन में कितना कर पाते हो। आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण यहाँ से शुरू होता है। भगवान राम को लेके गए और लक्ष्मण को लेके गए और उनसे सिखाया, सब युद्ध विद्या सिखाई, सब कुछ सिखाया। सीखे हुए थे वो तो, अवतार के अंश थे, एक शेषनाग का अंश और एक विष्णु का अंश। दोनों के दोनों जब नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे पास, हमारे साथ जो बहुत बड़े ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं, तो उनका रोज सेवा करते हैं, रोज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वो पूरा घुमाते हुए ले जाते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं जनकपुर धाम तक, वहाँ से लेके वापस आते हैं और सीता को साथ लेके आते हैं। सीता के माध्यम से, ऋषि रक्त के माध्यम से संचित रक्त जो था वो इकट्ठा होता है। दोनों चीज़ चाहिए, विष्णु के रूप में राम भी चाहिए और ऋषि रक्त के रूप में शक्ति भी चाहिए। यानी भगवान की सत्ता पुरुष और प्रकृति के रूप में आती है, क्योंकि रावण की असुरता संव्याप्त थी चारों तरफ, पूरी धरती पर, धरती के समस्त लोकों में, सब जगह रावण का असुरता का इतना ज़्यादा असुरता संव्याप्त रहता युग में कि सब कराहते थे, सब परेशान थे। ऐसे में भगवान सीख करके आते हैं और दशरथ उनको फिर अपने गले लगाते हैं। उसी के बाद तुरंत बाद ये घटना घट जाती है जो कि विधि का विधान है। विधि के विधान से कई घटनाक्रम ऐसे घटते हैं। कैकेयी का कोई दोष है ये नहीं, हम नहीं कहते, पर दोष किसका है? ये नियति का है, ऐसी नियति बन जाती है।
और नियति बनने के बाद दशरथ शरीर छोड़ देते हैं, राम चले जाते हैं उनके एब्सेंस में, शरीर छोड़ते हैं राम चले जाते हैं, और जाने के बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बैठते हैं। भारद्वाज ऋषि उनसे कहते हैं, राम तुम दुनिया भर में घूमे हो, तुमने न जाने कितना स्वाध्याय किया है, तुम हमें कुछ चीज़ें बताओ जो हम नहीं बता पाते। उन्होंने कहा, ऋषिगणों से मैं मुनिवर आपको प्रणाम करता हूँ, आप लोग बहुत बहुत ऊँचे स्तर के ज्ञानी हैं। बोले, हम योग कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, पर हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, तो स्वाध्याय करने के लिए हमको ज्ञान दो। तो फिर रामचंद जी क्लास लेते हैं, 12 ऋषियों की क्लास लेते हैं, 12 टॉप मोस्ट ऋषि जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं भाग्य भारद्वाज के गुरुकुल में, और वहाँ जाके उनकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस होने के बाद वो कहते हैं, राम अब तुम जाओ, अब तुम इस पूरी की पूरी धरती को तुम राक्षसों से विहीन कर दो। वो जाके देखते हैं अस्थियों का पहाड़, वो अस्थियों का पहाड़ देखते ही उनको लगता है कि करुणा जागती, सबसे पहले करुणा जागती है। देखत राम नयन जल छाए, देखते ही राम के आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है, ऋषियों ने जिन्होंने तपस्या करके इस धरती को सत्युगी बना रखा है, उन ऋषियों को खा खा के इन्होंने अस्थियों का पहाड़ बना रखा है। उन्होंने फिर तुरंत दूसरे क्षण उस संवेदना को वो सक्रियता में बदलते हैं और कहते हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाया प्रणकीन, मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। ये भुज उठा के प्रण करते हैं, जब भी हम कहते हैं ना हाथ उठा के बोलिए जय, हम सुधरेंगे, हम क्यों बोलते हैं महाकाल की जय, क्यों बोलते हैं हाथ ऊंचा करके। हाथ ऊंचा करने का बोलने का मतलब है कि हम करना ही है, और हाथ नीचे करके नीचे मुंह करके कोई नहीं बोलता, उसमें कुछ कर नहीं पाता, कोई करता भी नहीं है ना कभी करेगा, और जो हाथ ऊंचा करके बोलेगा वो तपस्वी होगा, तो हम तपस्वी बनेंगे। ये बात करके गुरुदेव श्री रामचंद्र जी ने निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन, और उसके बाद फिर आपने आपको मालूम है कि सारी वानर सेना, रीच सेना, गिलहरी तक उनका साथ देती है, पुल बनता है, हो जाते हैं। वो अकेले कर सकते थे इस काम को, एक इशारे मात्र से कर सकते थे, विष्णु का अवतार तो अकेले कर सकते, उसको जरूरत क्या है शक्ति का अवतार सीता की, सीता के अपहरण की, और सीता के अपहरण के बाद नर की तरह से वानर मानव की तरह से रोने की कि हमारी सीता कहीं चली गई। ये तो भगवान की लीला है, भगवान को लीला करनी पड़ती है, भगवान माया के अधीन होके नहीं आते, भगवान माया को अपने अधीन करके आते हैं, तो जैसा चाहते हैं माया उन करके दिखाती है उनको, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। उसी के आधार पर भगवान जो है वो जाते हैं और लंका से उनको रावण को मार के आते हैं। मित्रों, रावण का मरना इसलिए ज़रूरी था, रावण के साथ साथ पूरे वंश का मरना इसलिए ज़रूरी था कि असुरता बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। तप के धनी कुंभकर्ण, तप के धनी उनका मेघनाद, तप के धनी रावण, तप के धनी उनके जो भाई जितने भी थे वो सब के सब उनमें केवल एक विभीषण ऐसे थे जो आसुरी चिंतन वाले नहीं थे, देवत्व वाले चिंतन वाले थे, उन सबको आमूलचूल समाप्त करना था। हनुमान जी को भेज देते अकेले, हनुमान जी जो पहाड़ उखाड़ लाते हैं वो चाहते तो वो भी उखाड़ लाते हैं, लंका को पूरा ही उखाड़ के ले आते हो, कहते भगवान अयोध्या में कहाँ रखूँ बताइए, सीता माता इसमें बैठी हुई हैं। अरे तू सीता को ही ले आया, मैं तो सीता को लाने का काम तो मेरा था। नहीं, गुरु की आज्ञा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा हमको जो कहा गया उतना ही करेंगे, भगवान ने कहा था उन्हें तुम जाओ और सीता जी का संदेश दे के आओ कि हम आ रहे हैं लेने के लिए, हम आ रहे हैं लेने के लिए। भाई गरिमा की बात है, हम आ रहे हैं लेने के लिए, और पूरा क्षत्रियत्व तो है उस समय, क्षत्रियत्व तो छिपा पड़ा है, क्षात्र बल छिपा हुआ है, हम लेने आ रहे हैं, पर किसके साथ आ रहे हैं, संगठन के साथ आ रहे हैं, पूरा संगठित बल लेके आ रहे हैं हम। भले ही वो रीच वानर हो तो क्या हुआ, राम के जो रीच वानर हैं ये सब संगठित बल जो है ये हमें बताता है कि संगठन की क्यों जरूरत पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर आए, आने के बाद उन्होंने जो तपस्या की, 24 लक्ष की, 24 महापुरुषों की, उसके बारे में वो जब कहते हैं, जब सूक्ष्मीकरण की साधना के दौरान, तो क्या कहते हैं, तो मैंने सुनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी गुरुदेव ने लिखा नहीं है इसको। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि ने जितना तप किया था उस जमाने में, उससे भी ज़्यादा कठोर तपश्चर्या मैंने की है, और इस तप के बराबर और किसी ने तप नहीं किया है। मित्रों, ऐसे गुरु की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते तो अपने एक संकल्प से ही पूरी की पूरी धरती को असुरता से रहित कर देते। या जो झगड़ा दिखाई पड़ता है ना आपको, आस्था संकट का चारों तरफ, वो दुनिया भर के दुराचार ये सब नष्ट हो जाता, नहीं, पर संगठन को गति देना, संगठन को बल देना था, संगठन खड़ा करना था, निमित्त बनाना था आपको, नीति उन्होंने बना दी
और नीति के साथ साथ एक नियति बन गई, कौन करेगा इसको, आप करोगे, और निमित्त कौन बनेगा, आपको निमित्त बनना है, निमित्त बनाना जरूरी था, निमित्त मात्रम भविष्य विसाचिन। भगवान राम ने ये काम सोच समझ के किया और करने के बाद वहाँ जा से जाके आने के बाद परामर्श किया उन्होंने ऋषि मुनियों से, तो उन्होंने कहा असुरता बहुत छा गई है, विश्व संव्याप्त हो गई है, इसके लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करिए। 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए और उसके बाद फिर उन्होंने उससे वो विषाक्तता जो असुरता सूक्ष्म प्रदूषण के रूप में छा गई थी उसको निकाला। श्री कृष्ण का जीवन देखें तो शुरुआत से ही ऐसा ही है बिल्कुल, वो तो जब माँ की गोद में थे तभी उन्होंने पूतना को मार दिया था। आप कल्पना कीजिए कि मतलब वो घटनाएं कभी कल्पनाएं लगती हैं हमको, पर डिस्कवरी चैनल उसके ऊपर पूरा सीरियल बनाता है कृष्ण के ऊपर, और वो कृष्ण का सीरियल जो है वो हाई हिट में है, टॉप मोस्ट हिट में है। मतलब आज इतने प्रकार के बच्चों के चैनल चल रहे हैं, किड्स के चैनल चल रहे हैं, उसमें कृष्ण वाला और हनुमान वाला ये दो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि हमारे रगों में संस्कार है, हमारे बच्चों के रगों में संस्कार है, उसके माध्यम से हम उनको बता सकते हैं। तो मित्रों वो कृष्ण जो है वो तरह तरह के असुरों को मारते हैं, मारते चले जाते हैं, और एक सत्याग्रही सेना खड़ा करते, पहला सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य क्या है, ये दूध ब्रज में रहेगा, ये दूध कंस की रानियों के नहाने के काम नहीं आएगा, ये मथुरा का दूध नहीं है, ये ब्रज का दूध है। बस वो दूध की क्रांति है वो पूरी, चाहे गोपेश्वर की क्रांति कह लो, चाहे गौ माता की क्रांति कह लो, चाहे उसको कोई से भी क्रांति कह लो, ग्राम्य स्तर पर ऐसी इतनी बड़ी क्रांति पहली बार होती है कृष्ण भगवान के माध्यम से, जहाँ सारा माहौल जो है पूरा का पूरा, पूरे माहौल को वो ऐसा कर देते हैं कि नहीं, हमें अपनी रक्षा करनी है, हमें इसकी रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, दुग्ध की रक्षा करनी है, मक्खन की रक्षा करनी है। तो मक्खन की रक्षा करने के लिए खुद माखन लीला रचते हैं। हमारे कथा कहने वाले बार 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 वो गोपिकाओं का जो दृश्य है उसको पहले ले आते हैं, रासलीला पहले ले आते हैं, और रासलीला में खूब खुद रस लेने लगते हैं, क्योंकि खुद के दिमाग में वो रासलीला घुसी हुई ना, इसलिए वो उसी में रस लेते हैं, उसी को सुनाते रहते हैं, उसी में आनंद आता है। श्रोता भी वैसे ही बैठे हुए हैं एक ही जैसे मन वाले, तो वो भी श्रोता भी उसी में आनंद लेते हैं खूब, वो उसका मर्म नहीं समझ पाते। मर्म क्या है, गोपिकाएँ कौन है, हमारे हृदय की नस नाड़ियाँ पूरी की पूरी ये, और कृष्ण कहाँ यहाँ बैठे हैं, राधा कहाँ बैठी हैं, यहीं बैठी हैं, यहीं इन्हीं का जब मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है, तो कृष्ण राधा का मिलन होता है। ये तो समझाने की उनकी ताकत है नहीं, तो वो कथा के ऊपर चले जाते हैं, कथा के भौतिक स्वरूप पर। मित्रों यही कृष्ण जो हैं जब जाते हैं तो मुष्टिकासुर से को मारते हैं और उनको कंस को भी मारते हैं, ऊपर उसको कंस को मारने के पहले एक संगठन की शक्ति का एक प्रतीक बताते हैं कि उंगली पे, छोटी उंगली पे वो गोवर्धन को चढ़ा देते हैं, गोवर्धन खड़ा कर देते हैं। इंद्र गुस्से में आ जाता है, इंद्र पानी बरसाता है, प्रलय लीला हो जाती है, पर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। तो ये कौन आ गया नीचे, तब जाके समझ में आता है कि तो भगवान स्वयं गए नीचे, भगवान से युद्ध नहीं कर सकता देव, देव शक्ति है, देवताओं का राजा इंद्र नहीं कर सकता। अभी तो अभिमान इंद्र का निरस्त करने के लिए भगवान के आपके बीच में एक ही चीज़ बाधा है, वो अहम, आपका अहम, चाहे वो रावण हो और चाहे इंद्र हो, दोनों के अंदर अहम था। रावण इंद्र का अहम जो है वो कहता है कि पूजा मेरी क्यों नहीं करते, गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं, गोवर्धन, गोबर जो है गोमाया माता का गोबर है ना, ये आज की पढ़ी लिखी प्रेस जो है ना, जेएनयू से निकली हुई कम्युनिस्ट प्रेस, ये बहुत टांट कस रही है गोबर के ऊपर, गोमूत्र के ऊपर, गौ माता के ऊपर। मेरा मन करता है कि इन सारे पत्रकारों को एक बार नहला दूं मैं पूरी तरह से गोमूत्र में, पवित्र पवित्र हो जाए कम से कम थोड़ा सा, पता तो चले कि महत्व कितना बड़ा है उसका। अरे गोपेश्वर ने स्वयं गायों की सेवा की है, भगवान कृष्ण ने सेवा की है, और ये महाबेवकूफ लोग सारे समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सब भरे हुए उन्हीं चीज़ों से। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अब हमारे यहाँ जवाब देने वाले नहीं है ना, कुछ बोलने वाले हैं नहीं ऐसे, बस वो भक्ति की बात करने लगते हैं और शास्त्रों की बात। अरे शास्त्रों के साथ साथ विज्ञान की बात करो, वैज्ञानिकता पर बात करो। माशेलकर साहब जैसे आदमी जो हमारे महाराष्ट्र से निकल के आए और वो बने सचिव, वैज्ञानिक सचिव, उन्होंने पूरी रिसर्च कराई है, उन्होंने करीब 10 इंग्रेडिएंट्स यूरिन गौ माता के यूरिन में से निकाले हैं जो एंटी कैंसर होते हैं। न जाने कितनी बीमारियों में क्योर हो सकता है, न जाने कितनी बीमारियों में ठीक हो सकता है। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है पर हम उसकी उपेक्षा करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे अवैज्ञानिक मानस में नहीं बैठ पा रहा है।
कृष्ण ने समझा इस बात को, कृष्ण ने उसकी क्रांति की। कृष्ण का एक रूप है मित्रों बाल गोपाल वाला जो माखन खाता है, एक रूप है गोपेश्वर वाला जो बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाता है तो गायें लौटती चली आती जंगल में आ जाती, और तीसरा रूप है भगवान का चक्र सुदर्शनधारी, पांडवों को साथ लेकर के वो लड़ता है कौरवों से, अनीति से, अपनी सेना दांव पे लगा देता है, अपनी सेना उधर भेज देता है, दांव पे लगा देता है। क्यों कर रहे हो भैया कृष्ण, इसको इतने बड़ी संहार लीला क्यों कर रहे हो? कई बार काव्यों में कई तरह से बात आती है कि भगवान कृष्ण से राधा ने कहा, भगवान कृष्ण से कई लोगों ने कहा, द्रौपदी ने कहा, ये संहार लीला किस लिए? तो बोले संहार के बिना विनाश, विनाश के बिना विकास नहीं होगा। गुरुदेव ने उसको गीत के रूप में लिखा है, नया युग आएगा, नया युग बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम। पहले खंडहर की दीवार तो तोड़ो, जब तक ये अनीति करने वाले नहीं मरेंगे तब तक नया युग नहीं आ पाएगा। तो उस जमाने में मारने की बात थी, इस जमाने में गुरुदेव ने ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार से हम सबको बदल देंगे, हम उनके चिंतन ही बदल देंगे, सोच ही बदल देंगे। तो मित्रों बस भगवान कृष्ण ने वो वाला युद्ध किया, और युद्ध करने के साथ साथ उन्होंने दुर्योधन से लेके, दुशासन से लेके और शिशुपाल, जरासंध, इन सबको, इन दो तीन को तो अकेले ही निपट लिया उन्होंने, बाकी के लिए निमित्त बना दिया, अर्जुन को, भीम को, सबको। चाहते तो अकेले ही पूरी महाभारत को कर सकते थे। छोटी सी घटना है कि वो एक जो बर्बरीक था वो कहता है कि एक क्या फालतू का नाटक चल रहा है सब पूरा पूरा, अरे मैंने उपासना की है, साधना की है, मैं एक तीर चलाऊंगा तो सबके निशान, माथे पे एक निशान लग जाएगा, वो माथे पर निशान लगे, कौन उनके माथे पे? जो मरने वाले हैं, जो नहीं मरने वाले हैं वो जिंदा रहेंगे। तो वो पहला धनुष का बाण चलाता है और वो सबके निशान आँखों लग जाता है, जिसके उस पर नहीं लगता वो कहता है देखो मैं तो नहीं मरने वाला। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उसका सिर कट जाता है, सिर कट के वो श्री कृष्ण के चरणों में आके गिरता है और वो कहता है आपने मुझे क्यों मारा? मैंने इसलिए मारा कि निमित्त जिसको बनाया था उनको तो तू करने नहीं दे रहा है और तू खुद कर रहा है, अकेला संगठन करेगा, पूरा संगठन करेगा, अगर तू करता तो बहुत अनीति वो हो जाती, अनैतिकता हो जाती और वो मैं नहीं सहन कर सकता, पर तू चूंकि मेरा उपासक है, तू मेरे को ध्यान में रखता है हमेशा, इसलिए तू ऊंचाई पर बैठ जा, वहाँ पर वहाँ से कमेंट्री किया करना, तू क्या क्या हो रहा है सब पूरा देखना ऊपर से। तो पहाड़ी के ऊपर उसका सिर रख देते। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो सारे पांडव आपस में कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा। तो कहते हैं चलो, कृष्ण कहते हैं चलो उनके उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा तो दूरदर्शन से उसी ने देखा है, ऊपर से टावर से देखा है उसने, उसी से पूछते हैं, बर्बरीक से पूछते हैं। तो बर्बरीक जो है वो कहता है चारों तरफ युद्ध जो हो रहा था, कृष्ण और काली के बीच में युद्ध हो रहा था, कृष्ण और काली युद्ध कर रहे थे, और मैं नहीं कहता कि किसी व्यक्ति ने किसी को मारा, पर भगवान ने ही अपनी आसुरी शक्ति को मारा, भगवान ने अपनी देवी शक्ति के द्वारा आसुरी शक्ति को मारा। अर्जुन ने चलाए होंगे तीर पर मारा भगवान कृष्ण ने, भीम ने चलाई होगी गदा पर मारा भगवान कृष्ण ने। ये जब उस सबको पता चलता है सारे सबके घमंड चूर हो जाते हैं। हम लोग में से कई लोग कहते हैं हमने शक्तिपीठ बनाई, हमने ट्रस्ट बनाया, हमने इतना किया और आप जानते नहीं हो हमने क्या क्या किया, पर वो उस समय भूल जाते हो कि करने वाले गुरुदेव थे, माताजी थे, आप नहीं थे, अभी भी गुरुदेव माताजी हैं, इस समय भी वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। तो फिर क्यों बार बार ये मन में आ जाता है कि हमने नहीं किया, उन्होंने गुरुदेव ने नहीं किया, हमने किया, गुरुदेव थे ही नहीं तब तक। ये मत बोलना कभी गुरुदेव नहीं थे, गुरुदेव का महाप्रयाण हो गया, महाप्रयाण नहीं हुआ है, गुरुदेव शक्ति के रूप में आपके बीच में हमेशा समव्याप्त है और आपके माध्यम से काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से काम कर। इसलिए इस स्वरूप को समझने की कोशिश करना कि हमें किस निमित्त बनना है, हम गुरुदेव का निमित्त बनना है, गुरुदेव का निमित्त बन करके काम करना है, कृष्ण के जमाने में संघ शक्ति का, और इस तरह से होता है अवतरण। मित्रों उसके बाद अगर हम देखें तो बुद्ध आए, तो बुद्ध चाहते तो शंकर दिग्विजय जो है बाद में जो हुई उसकी तरह से सब जगह घूम भी सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने क्या किया, तप किया, तप करके करुणा के बल पर अपने अंदर आत्मबोध जगाया और उन्होंने करुणा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन बदले। इसीलिए बुद्ध हमारे नज़दीक है, बुद्ध हमारे मिशन के सबसे ज़्यादा नज़दीक। बुद्धावतार का उत्तरार्थ प्रज्ञावतार है, गुरुदेव कहते हैं। बुद्ध क्यों नज़दीक हैं, क्योंकि करुणा और अहिंसा के माध्यम से बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदला, उन्होंने बिंबसार को बदला, उन्होंने आम्पाली को बदला, उन्होंने न जाने कितने लोगों को बदला, अशोक को बदला, ढेरों लोगों को बदला और संघ बना दिए, संघ आज शक्तिपीठ बने हुए हैं, वो संघ बना दिए उन्होंने।
ये क्या है संघाराम, कितने भी जो बनाए उन्होंने वो सारे के सारे इसीलिए थे, संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि। ये किस लिए किया उन्होंने? उन्होंने इसलिए किया समूह की शक्ति को बताने के लिए, कि समूह की शक्ति कितनी मजबूत होती है, संघ कितना मजबूत होता है। इसलिए मित्रों संघ की महत्ता को समझने की कोशिश करना, संघ कितना महत्वपूर्ण है। संघ महत्वपूर्ण होता है तो सारी की सारी शक्ति जो है ना एकदम संघ में एकत्र हो जाती है। फिर भले किसी को भी लीड मिले, नाम निमित्त किसी का भी मॉनिटर किसी का भी आ जाए, पर काम शक्ति ने किया है। इसलिए शक्ति हमेशा संघ को चाहती है, व्यक्ति को नहीं चाहती है। व्यक्ति केवल भगवान को चाहती है और किसी इसके अलावा किसी को नहीं चाहती। व्यक्ति के रूप में जब आता है तो भगवान आता है। स्वामी विवेकानंद आए, 1857 का संग्राम हुआ, उसके पहले रामकृष्ण परमहंस आ चुके थे, माहौल बन गया था, आज़ादी का माहौल बन गया था, स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी के रूप में बहुत बड़ा काम होने लगा था। ये जो लड़ाई लड़ी गई मित्रों कांग्रेस की, ये अकेले गांधी के द्वारा नहीं लड़ी गई, न जाने कितने सत्याग्रहियों ने अपनी उसमें जान दी है, न जाने कितने अनजाने लोगों ने उसमें अपने आप को जोड़ा है। और गांधी जी उसके निमित्त बन गए, गांधी जी निमित्त बन गए, भगत सिंह निमित्त बन गए, सुभाष चंद्र बोस निमित्त बन गए, गोखले और तिलक निमित्त बन गए। ये सारे के सारे जो निमित्त बने, इन लोगों ने मिलजुल करके पूरे के पूरे इस संग्राम को रूप दिया और 42 में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन उसको शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंतिम प्रहार किया। अंतिम प्रहार के बाद श्री अरविंद रमण महर्षि की तपश्चर्या, साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या जो 26 से चालू हो गई थी, उसने माहौल बनाया और उसके माध्यम से पूरा संहार होता चला गया। ये जो संहार हुआ है मित्रों, ये सारा का सारा एक प्रकार से अंग्रेजियत रूपी असुरता का था, पर अंग्रेजियत तो रह गई थी। कृष्ण के जमाने में जो असुरता रह गई थी उसके लिए उन्होंने एक को यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ, और राजसूय यज्ञ के बाद थोड़ी बहुत असुरता और रह गई थी, तो उसके लिए जन्मेजय आया और जन्मेजय ने आके परीक्षित के माध्यम से नाग यज्ञ कराया। ये सब इसलिए होता है कि ये यज्ञों के माध्यम से असुरता का निवारण होता है। परम पूज्य गुरुदेव एक प्रकार से बुद्ध के छोड़े हुए काम को पूरा करने के लिए आए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने जो काम किया वो काम एक प्रकार से अंतिम हथौड़ा है विचार क्रांति का के माध्यम से, अंतिम हथौड़ा। पर उनको चाहिए संगठन, परम पूज्य गुरुदेव को चाहिए संगठन, इसलिए उन्होंने गायत्री चर्चा के माध्यम से स्तंभ चालू किया। और स्तंभ चालू करके उन्होंने कहा सब साथ मिलकर चलो और तुम गायत्री का उपासना करो। गायत्री की क्यों उपासना करें? गायत्री मंत्र में कौन सी ऐसी खास बात है? गायत्री मंत्र में है धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। नहीं हमारी नहीं, मेरी मेरी केवल मेरी बस, और किसी की नहीं। इसके साथ इस पड़ोसी की मत करना, ये तुम्हारा गला काट गला दबा देगा कल, इसकी भी होना चाहिए। कोई तुम्हारी जेब काट लेगा, इसकी भी होना चाहिए, सबकी होना चाहिए, हर एक की बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। संगबद्ध होने की प्रार्थना, सामूहिकता की प्रार्थना है ये वाली जिसको हम करते हैं। तो गुरुदेव ने लिखा है अपना परिवार उसका भावी संगठन। एक कुछ चीज़ें मैं ऐसी हैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ। धर्म प्रचार कहिए या अध्यात्म साधना कहिए, विवेकशीलों का संगठन कहिए, जन जागृति का बीजारोपण कहिए, नवनिर्माण की पृष्ठभूमि कहिए, या जो भी नाम देंगे, हम जीवन भर एक ही काम करते रहे हैं। नर पशु जैसा संकीर्ण स्वार्थी जीवन जीने वाले व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा बना लें, ऐसी उमंग उत्पन्न करें, ऐसा कुछ देने की बात सोचें जिससे हमारा समाज का पिछड़ापन दूर हो। सबसे बड़ा धर्म क्या है इस समय? कि साहस प्रदर्शित करते हुए वे आगे आएं और हमारे साथ चलकर वीर बलिदानी बनकर सहयोगी पुरुषार्थ करें। मालूम नहीं मित्रों, हम नहीं कह सकते, गुरुदेव लिखते हैं 1970 में, मालूम नहीं कितने लोगों ने हमारा साथ दिया, कितनों ने हृदयंगम किया, पर 60 वर्ष के इस जीवन काल में 45 वर्ष जब लिखा था गुरुदेव ने, 60 वर्ष के थे गुरुदेव, 45 वर्ष एक निष्ठ भाव से इसी प्रयोजन में लग गए। 15 वर्ष बाल्यकाल के थे तो खेलकूद में लग गए, पर आशंका कहिए या कुछ भी कहिए, अब हमको ऐसा लगने लगा है कि जिस विशाल भीड़ को हम चारों ओर घेरे खड़े हैं, घेरे रहती है, उनमें कम ही लोग उस स्तर के जिन्हें हमारे प्रयासों के प्रति सच्चे सहानुभूति हो। मनोकामना के लिए सब हमारे को घेर रहते हैं, गुरुदेव ने आत्ममूल्यांकन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा लगता है ढोल के इर्द गिर्द थोड़ी सी लकड़ी और चमड़ी लगी है, भीतर तो पोल ही पोल है, भीड़ से क्या बनता है। कई बार हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं भीड़ को देखकर। भीड़ से प्रभावित नहीं होना, प्राणवान कितने हैं, प्राणवान हैं वो संगठित हैं कि नहीं, और वो गुरुदेव को मानते हैं कि नहीं, गुरुदेव की विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि नहीं। पहली बात, महत्वपूर्ण बात। सोमवती अमावस्या को गंगा तट पर स्नान करने वाले, रामलीला में रावण वध के उपस्थित वध में उपस्थित रहने वाले, धार्मिक लोगों की भारी भीड़ तो जमा होती है, पर वो जनसमूह युग निर्माण नहीं करता,
ठीक है, समझ में आ गया ना? इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि लाखों लोग थे, पर वो लाखों लोग युग निर्माण में लगे हुए हैं क्या? आप सब और हम सब ने मिलकर के उस समूह का निर्माण किया है जो लाल मशाल के चारों तरफ खड़ी हुई है, तब जाकर के इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है जिसके बारे में आज हर आदमी कहता है कि अगर कुछ असंभव से संभव हो सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है, तो केवल गायत्री परिवार द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये सही अर्थों में वो संगठन है जिसके पास सब कुछ ऊर्जा है, सारी सारी ग्रास रूट लेवल तक जाने की ऊर्जा है, हर रूट लेवल तक हम पहुँचे हुए मित्रों। इसलिए अब गुरुदेव लगते विदाई की घड़ियाँ नज़दीक आ रही हैं, हमारे स्वजनों के प्रति हमारी दबी हुई ममता सहसा उभरती चली आ रही है, हमारी आशंका हमें खाई जाती है कि हमारा परिवार यदि व्यक्तिगत संपर्क की परिधि तक सीमित रहा, केवल व्यक्तिगत संपर्क, गुरुदेव से संपर्क और परिवार वालों से संपर्क, ये मोह की परिधि, इससे निकलो, हमसे ही मोह मत करो, परिवार से ही मोह मत करो, बाहर निकलो और आवश्यक निष्ठा उत्पन्न करो, एक प्रकार से हमारे प्रयोजनों का मल्टीअमेट हो जाएगा। भीड़ बढ़ा लेना या प्रतिभा का चमत्कार दिखा देना, ये हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा, उस समूह में ऐसे समूह में कोई जीवट नहीं रहती है, तो फिर क्या फ़ायदा? अपने पीछे आदर्शवादी नर रत्नों की, कर्मठ और आस्थावानों की एक श्रृंखला छोड़ के जाने की हमारी मन में उमंग रही है, वही कार्य हम करके जा रहे हैं, आने वाले 2 वर्ष हम इसी काम में लगेंगे। जाने से पहले, अब गुरुदेव बहुत अच्छी बात लिखते हैं, जाने से पहले सक्रिय कर्मठ एवं सजीव साधक स्तर के कार्यकर्ताओं की, हम कार्यकर्ताओं का एक संघ खड़ा करना चाहते हैं। साधना संगठन सत्र में आप आए हैं, साधकों का संघ खड़ा करना चाहते हैं, गुरुदेव ने कहा हम साधकों का संगठन, हम उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं इस सत्र की श्रृंखला के माध्यम से, कि हमने देख लिया बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर लिए गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद, हमने संस्कार महोत्सव कर लिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, हमने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, 108 कुंडियाँ कर लिए, बहुत बड़ी बात है, 1008 कुंडियाँ कर लिए, अरे बहुत बड़ी बात है भाई, सब कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बात है, आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 42वां अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है कन्याकुमारी में अगले साल, 41वां अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है अभी इस साल नेपाल में, तो ये कार्यक्रम तो होते रहेंगे, इस संपर्क होते रहेंगे, ये तो ऊर्जा जो आसुरी शक्ति से शक्तियाँ हैं उनके विनाश के लिए जरूरी हैं, तो होते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। पर गुरुदेव कहते हैं हमारी अखंड ज्योति एक ऐसा रसोई घर है जिसमें हम अपने हाथ से अपनी गहरी प्रेम भावना के साथ, बड़े बड़े अरमानों के साथ हमारा भोजन पकाते हैं, और जो स्वजन हमें अपना समझते हैं उनको माता जैसी वात्सल्य भावना के साथ अपनों से अपनी बात के माध्यम से परोसते और खिलाते हैं। क्या कितनी प्यारी बात लिखी, मतलब आप लोग कल्पना करिए कि भाषा में जैसे कोई नाचती हुई गाती हुई भाषा हो। अखंड ज्योति एक रसोई घर है, हम अपने हाथ से अपनी गहरी प्रेम भावना के साथ, बड़े बड़े अरमानों के साथ इस भोजन को पकाते हैं, और जो स्वजन हमें अपना समझते हैं उनको माता पिता जैसी वात्सल्य भावना के साथ परोसते और खिलाते हैं। अधिकांश आंदोलन उत्तेजनात्मक वातावरण में उत्पन्न किए जाते हैं, पर देर तक ठहरते नहीं, जोश ठंडा होती कार्यक्रम भी समाप्त हो जाता है, ऐसे अनेक आंदोलनों को समाप्त होते हमने देखा है, पर हमारा आंदोलन ऐसा नहीं होगा। गायत्री तपभूमि का निर्माण, 24 लक्ष गायत्री उपासकों का आविर्भाव, 1000 कुंडों वाले एक अभूतपूर्व आयोजन 1958, देशभर में 24,000 कुंडों के यज्ञों की आश्चर्यजनक पूर्ति, जैसे अगणित कार्य वो हैं जो बात की बात ने करके रख दिए, हमारे संगठन गुरुदेव नहीं कह रहे मैंने करके रख दिए, संगठन ने करके रख दी। युग निर्माण की इतनी विशाल योजना जिसमें जनमानस को उलट पलट कर रख देने का हमारा संकल्प है, वह आज असंभव जैसी, शेख चिल्ली की कल्पना जैसी लग सकती, पर हम जानते हैं हमारा अंतरात्मा बोलता है यह सब होने वाला है। डाकुओं के छोटे छोटे गिरोह विचारों की एकता और व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर संगठित होते हैं, पर यही तथ्य सज्जनों पर भी लागू होता है, यदि सज्जन एक हो जाए, विचारधारा एक हो जाए, भावना एक हो जाए, वफादारी एक हो जाए, तो हम भी आगे बढ़ कर के इन असुरता की सेना से लड़ सकते हैं, पर एक नहीं होते, सबसे बड़ी संकट यही है, जो हमारे विचारों को प्यार नहीं करते, उनका मूल्य नहीं समझते, वे शिष्टाचार में भले ही मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, गुरुजी, माताजी, वे कहें, परंतु हमसे हजारों मील दूर हैं, परंतु उनसे हम किसी बड़े काम की आशा नहीं रखते। हम अखंड ज्योति परिवार के लोगों को एक सुदृढ़ संघ मानते हैं, आशा करते हैं संघ की शाखाएं देश के कोने कोने में फैलेंगे। हमें गुरुदेव की आशा को पूरा करना है, हमें कि अखंड ज्योति भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होकर के पहुंचे, इसीलिए युग साहित्य विस्तार वर्ष है अगला वाला जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक संस्था का रूप धारण कर ले, और संस्थाएं बनाए नहीं, स्वयं एक संस्था बने, संस्था बनाने की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा मन है मैं शक्तिपीठ बना दूं, ये बना दूं, मैं मत बोलो, कई मैं बोलते बहुत दिक्कत आ जाती है, आपकी और गुरुदेव के बीच में सबसे बड़ा बाधक क्या है, ये मैं, इस मैं को अगर हटा देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं विशाल संगठन की सुनियोजित शुरुआत
यह हमने 1990 में एक अंक लिखा था, विशेषांक लिखा था, करीब 250 पेज का, अखंड ज्योति का, माता जी की आज्ञा से, माता जी की शक्ति के आधार पर गुरुदेव के जीवन पर पूरे पूरे लिखा गया था। इसको आप पढ़िएगा, ये श्रद्धांजलि विशेषांक था, श्रद्धांजलि पर्व पर अगस्त सितंबर 1990, अगस्त सितंबर 1990 अखंड ज्योति विशेषांक, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, सबसे बड़ा संघ सूत्र क्या है, गुरुदेव ने लिखा है, व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को सामूहिक स्वार्थ एवं सामूहिक हित से अधिक महत्व न दें। ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को, अब आप लोग पढ़े लिखे बैठे हो यहाँ पे, स्वार्थ एवं सुख में क्या अंतर है बताओ, स्वार्थी नहीं होगे तो सुख के सुखी कैसे होगे, मतलब स्वार्थ एवं सुख को, व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को, सामूहिक स्वार्थ एवं सामूहिक हित से, समूह में भी स्वार्थ हो सकता है। ये गुरुदेव का युग निर्माण सत्संकल्प का वो वाला हिस्सा है जो बहुत पहले का लिखा हुआ है, बहुत पहले का, उसके बाद 80, 81, 82 में उन्होंने इसको बदल दिया गुरुदेव ने। व्यक्तिगत स्वार्थ को सार्वजनिक स्वार्थ का अंग कहकर उसे चिपक के रहने वालों के लिए दिशा बोध है, उसमें सुख और हित का अंतर समझा है। सुख हमारी मान्यता और अभ्यास के अनुसार अनुभव होता है, और जबकि हित शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। सुख अनुभव होता है और शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हित है। देर तक सोए रहने में, कुछ भी खाते रहने में हम सुख तो अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं, ठंडक के दिन है, रजाई में सो जाएं थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं। घंटी बज रही है तो घंटी की आवाज़ बंद करने के लिए हम कान में दबा लेते हैं रजाई, पर हित तो जल्दी उठने और परिश्रमी बनने और संयमी बनने में है। जो हित है वो कहती है अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज, है ना, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके बहुत सारा काम कर सकते, दिन भर का एक पूरा पूरा टाइम मिल जाता है आपको। व्यक्तिगत सुख को गौण, सार्वजनिक हित को प्रधान मानने का निर्देश सत्संकल्प में दिया गया है। व्यक्तिगत सुख गौण, सामूहिक स्वार्थ, सामूहिक हित प्रमुख, सामूहिक हित प्रधान, सबका हित हो, सबका कहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ये हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ वो वाला सत्संकल्प है, जिसको फिर बाद में हम लोगों ने बदल करके वर्तमान में जो इसका सूत्र को कर दिया है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। बहुत गुरुदेव ने उसको कंसाइज करके एक एक दो लाइन में ही कर दिया पूरा पूरा, तो बहुत बढ़िया बन गया। मित्रों, ये जो हमारी यहाँ की यात्रा है, यहाँ तक की यात्रा बड़ी अभूतपूर्व रही है, और आप लोग यहाँ आए हैं, आपसे पहले यहाँ करीब 6 सत्र और हो चुके हैं, आपका जो सत्र है वो 7वां सत्र है, और इस सत्र के माध्यम से हम महाराष्ट्र के परिजनों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए इस समय ज़रूरी क्या है। हम एक साधक बने, हम एक संगठक बने, साधना संगठन सत्र। साधना तो हम कराते रहे, बहुत कराते रहे, मौन साधना, अंतर ऊर्जा सत्र साधना, अभी हिमालय पे बना हुआ मुंशियारी वो भी तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया है, उसकी वहाँ जाने की मई कईयों की मंशा है, पर उस मंशा के पीछे पिकनिक ज़्यादा है और घूमने जाने की इच्छा ज़्यादा है, हिमालय देखने की इच्छा ज़्यादा है, पर ये नहीं है कि वहाँ रह करके जब आप तब करोगे तब पता चलेगा। तो 5-5 दिन के सत्र चलाएंगे अपन, जब जैसे उद्घाटन हो जाएगा उसका, अप्रैल मई जून जुलाई में, उसके बाद चलाएंगे। करीब करीब 72-75 साधकों के रहने की व्यवस्था हो गई है, और 24 वहाँ के स्टाफ वगैरह सब वहाँ रहेंगे, व्यवस्था पूरी हो गई है। परंतु जब तक आपका मन नहीं बनेगा तब तक आप कहीं भी चले जाओगे, हिमालय चले जाओगे, चाहे गुफा में बैठ के तब करोगे, चाहे गोदावरी में खड़े होकर के तब करोगे, रामदास जी के समेत गुरु रामदास तरह, तब भी कुछ नहीं होने वाला। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, इसलिए मन को सबसे पहले बनाना पड़ेगा आपको। गुरुदेव ने कहा महान उद्देश्य संसार के हित के लिए बड़े कार्यों की जरूरत पड़ती है। श्री राम को जरूरत पड़ी, गांधी जी को जरूरत पड़ी, 1857 में जरूरत पड़ी। सहयोग के आधार पर ही सफलता मिलती है, सहयोग होता है तभी सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने सूत्र दिया, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने जितने भी हैं जगत का हित जितना उतना हमारा मोक्ष, जगत का हित जितना, युग निर्माण होगा तो हमारा निर्माण होगा, जगत का हित जितना उतना हमारा मोक्ष। बस बाधा हमारे और परमात्मा के बीच में एक ही है, अहम। समाज सेवा में तल्लीन होने से रोकता है अहम, समाज सेवी तो बना देता है पर समाज सेवा में रोकता है, और आप अहम की वजह से नहीं कर पाते। संगठन क्या है, देश हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, संस्कृति के हित में होना चाहिए, विश्व के हित में होना चाहिए। गुरुदेव उदाहरण देते थे बहुत सारे यहाँ पे, महामना मदन मालवीय जी जो, जिनको परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा गुरु कहा जाता है,
वो उन्होंने यहाँ दो तीन संगठन बनाए थे, परंतु वो आपस की, उनके जाने के बाद आपस की फूट के कारण, साधना की कमी के कारण, संगठनशीलता की कमी के कारण टूट गए। ये इसलिए होता है कि सज्जनों के संगठन व्यक्तिगत हित के कारण बिखराव में आ जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है, भगवान तो तुम्हारे अंदर आने को तैयार है, तुम्हारा अहम नहीं आने देता उसको, अंदर नहीं आने देता है। भगवान तो तैयार बैठा है, बिल्कुल तैयार बैठा है। अखंड ज्योति के अंतर्गत संगठन का ढांचा बनाया, परिवार का खड़ा किया, और पहली बार गुरुदेव ने परिभाषा दी अखंड ज्योति परिवार। उसी परिवार को 1958 में उन्होंने गायत्री परिवार नाम दे दिया, बाद में फिर युग निर्माण परिवार दिया। तो सब ये परिवार एक ही परिवार है पूरे के पूरे, और इसमें, इस परिवार में आईएएस भी शामिल है और चपरासी भी शामिल है। एक किराने का छोटा सा काम करने, ठेले पे काम करने वाला व्यक्ति भी शामिल है और एक बड़ा व्यापारी भी शामिल है। पूरे को पारिवारिक ढांचा बनाया उन्होंने, हमारा भावनात्मक ताना बाना इसी प्रकार बुना। यदि एक भी ताना बाना में एक भी बिखर गया, सब बिखर जाएगा। इसलिए हमारे क्या, हमको क्या है, हमें हरेक को ये सचेत करना है, तुम सजग रहो अपने कर्तव्यों के प्रति, नहीं बल्कि अधिकारों के प्रति, नहीं बल्कि कर्तव्य के प्रति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण कहते हैं, बार बार फल की बात करोगे तो कर्म की तीव्रता कम हो जाएगी, कर्म की तीव्रता इंटेंसिटी कम न होने पाए। ये मान के चलो काम बनेंगे भी बिगड़ेंगे भी, अंग अवयवों सेवा में गुरुदेव ने लिखा है, काम बनेंगे भी बिगड़ेंगे भी, बदलते भी रहेंगे। जैसे ही बदलते हैं वैसे हमारे लोगों को इतना ज़्यादा चोट लगती है, डंस जैसे लगता है, जैसे कोई सांप डस रहा हो ऐसा लगता है। अरे हमारा काम क्यों बदल दिया, हमारा काम क्यों बदल दिया। हम जोन में इधर से उधर करते हैं, उधर से इधर करते हैं, इसलिए करते हैं कि इनको, इनका भी अनुभव मिल जाए और दूसरे का अनुभव इधर मिल जाए। या कुछ हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो जिसमें गुरुदेव हित समझते हो, तो उसको अदरवाइज न लेकर के, या आपका काम बदलते हैं, मान लीजिए आपसे कहते हैं आप संविधान देते हैं तो आप वहाँ चले जाइए, तो उसका मतलब ये है कि जरूरी है, जरूरी समझा होगा, इसीलिए तो आपको आपको भेजा जा रहा है। काम बदलेंगे भी बिगड़ते रहेंगे, ट्रस्टी कार्यकर्ता का रोल बदलेगा, एक कार्यकर्ता ट्रस्टी बन जाएगा, ट्रस्टी हो सकता है कार्यकर्ता बन जाए, तो क्या फर्क पड़ता है। ट्रस्टी तो विश्वास पात्र स्वयंसेवक है जो गुरुदेव के विश्वास को जन जन के बीच में लेकर के जा रहा है, कोई ट्रस्टी कोई वो पद नहीं है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि ट्रस्टी और कार्यकर्ता का भेद जो है वो मिट जाए, सब कार्यकर्ता हैं, इनमें से कोई विशेष है कोई विशिष्ट है ऐसी बात नहीं। हमारा संगठन महान उद्देश्य को लेकर आया, धरती पर स्वर्ग, मानव में देवत्व को लेकर आया। राजनीति में भी अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, टीवी खोलो अच्छी अच्छी बातें सुनाई पड़ती हैं, सारी दुर्गम शास्त्रों पे सारी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। आज से 500 साल पहले नहीं थी, जब प्रेस आई, जब से गुटेनबर्ग की, तब से सब कुछ बाजार में उपलब्ध है, सारी अच्छी बातें भी खराब बातें भी। विचार तो अच्छे हैं पर व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं है बोलने वालों का, सुनाने वाले तो बहुत हैं, भागवत कथा, राम कथा, सब कुछ सुनाने वाले बहुत हैं। जड़ में क्या है, अहंकार। हमारी बोलने के तरीके पे आप कितना प्रभावित हो बताइए, ये उनके मन में है। अगर बोलने का तरीका ही प्रधान होता तो फिर व्यक्तित्व में आचरण नहीं देखा जाता, व्यक्तित्व में आचरण देखता है भगवान, भगवान ये कहता है व्यक्तित्व में बदलाव आया कि नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको त्रिपदा बताई है, त्रिपदा गायत्री। त्रिपदा कौन है, श्रेष्ठता का वर्णन करने वाली, सवितुर्वरेण्यम। हमारे अंदर भर्ग तत्व को धारण कराने वाली, भर्गोदेव सिद्धिमयी, और हमारे सन्मार्ग को संगठन के माध्यम से चलाने वाली, धियोयोनो प्रचोदयात। जितने संगठन बने उसमें ढांचा महत्वपूर्ण रहा हमेशा, जितने आज तक संगठन बने हैं व्यक्ति यानी यूनिट को महत्व उतना नहीं दिया गया। पूज्यवर ने व्यक्ति को पहली बार महत्व दिया और कहा व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण। अगर व्यक्ति निर्माण नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, आप संगठन खड़ा कर दीजिए, व्यक्ति निर्माण के अभाव में सब कुछ अहंकार, तृष्णा, वासना, इसके माध्यम से सब टूटता चला जाएगा। व्यक्तित्व का अर्थ है सेल्फ एनालिसिस, व्यक्ति का अर्थ है, व्यक्तित्व का अर्थ है सेल्फ एनालिसिस। हम क्या और अच्छा कर सकते थे, इतना नहीं जितना हुआ है, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, दुराचार, सभी समस्याएं आज, लेकिन फांसी सजा समाधान नहीं है। समाधान क्या है, एक ही है, मैं बोलूँगा आपको दोहराना है, उसका दूसरा हिस्सा आपको दोहराना है, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, समाधान आज एकमात्र केवल यही है। चाहे किसी से भी कहो एक ही बात कहनी पड़ेगी, समाधान एक ही है, विचार क्रांति। विचार क्रांति के अभाव में सारी सारी चीज़ें बेकार रह जाती हैं, जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक कैसे बदलेगा। समाधान एक ही है, जब अपनी बात आती है तो हम दोहरे मानदंड अपनाने लगते हैं, बेटे की बात आती है, बेटी बहू की बात आती है तो हम अपने पत्नी की बात आती है तो दोहरे मानदंड अपनाने लगते हैं, चाहे जैसा राजनीति में हो रहा है सभी जगह, वो राजनीति हमारे यहाँ ना आ पाए। हम गुरुदेव के मानदंड अपने लिए रखें। गुरुदेव के मानदंड क्या थे,
गुरुदेव के कमरे में जब कोई विशेष व्यक्ति आता था या कोई नीचे से कोई मिलने आता था, कोई भी आता था बाहर का, उसके लिए गुरुदेव खुद पंखा खड़े होकर ऑन कर देते थे। खुद वो पंखा जरूरत नहीं है तो नहीं चालू करते थे। अतिरिक्त लाइट जल, मैं सोता पीछे वाले कमरे में, मैं रहता था तो मैं सोता था कि लाइट कभी ऑन छोड़ देता था। रात को श्वास की तकलीफ की वजह से बहुत नींद नहीं आती थी तो मैं सोता था पीछे कमरे में, जिस समय गुरुदेव जग के काम कर रहे होते थे तो आकर के लाइट बंद कर जाते थे मेरे कमरे में पीछे। मेरा कमरा ना गुरुदेव की कोठरी, जो पीछे वाली पूजा वाली कोठरी। अब मैं बड़ा शर्मिंदा होता था, मैं जाता था उनके पास। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम तकलीफ में थे रात में, तुमको अब तुम्हें तकलीफ निकल जाएगी, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सुराही से पानी लेना होता था गुरुदेव को तो हम लोग भागते थे, जब हम लेखन का मार्गदर्शन देने के आते थे। तो तुम्हें मालूम कितना लेना पानी में, पानी कितना लेना, मैं कितना पीता हूँ, क्यों भागे तुम, क्यों आए मेरे पीछे, चलो चलो रहने दो, मैं ले लूँगा अपने मन से। गुरुदेव कहते जितना पानी पीना उतने निकालूंगा मैं, है ना, उससे ज़्यादा नहीं निकालूंगा। तुम क्या करोगे, तुम आधा निकालोगे आधा फेंक दोगे उधर, अगर मैं आधा छोड़ दूंगा तो। और इतने दुष्ट भी होते हैं, बोले इतने दुष्ट भी होते हैं कार्यकर्ता, जो मैं छोड़ता हूं तो उसको पी जाते हैं, सोच के गुरुदेव शक्ति आ जाएगी मेरे तो इसलिए मुझे निकालने दो। और मैंने गुरुदेव को माताजी के लिए पानी निकालते देखा है। माताजी जब आती थी ऊपर चढ़ती थी, गुरुदेव पानी लेकर दरवाजे खड़े रहते थे। ये अपनत्व का भाव, ये माताजी के प्रति अब प्यार का भाव, सम्मान का भाव। कहते थे बेटा तुम्हारी माताजी तेरी माताजी नहीं है, मेरी भी माताजी है वो। हाँ, आप माताजी क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं बेटा कि वो तुम्हारी माताजी नहीं, हमारी माताजी है। हमने भी उनको मातृत्व के रूप में ही देखा है, माताजी के रूप में देखा, उन्होंने वैसे ही प्यार बांटा है, मिशन को सींचा है उन्होंने। अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता गुरुदेव को सिद्धांत था, और यही सिद्धांत जो है खींच करके मिशन को यहाँ तक ले आया है। गुरुदेव ने संगठन खड़ा किया, क्योंकि बीज गला, और बीज गला और खपा तब जाके संपूर्ण वटवृक्ष गुरुजी के रूप में खड़ा हुआ है, गुरुदेव के रूप में खड़ा हुआ है। हम उसके नीचे हैं। कभी भी आप बोलें तो आप किसी से भी बोलें तो आप बोले आप तो बहुत बड़े हैं, कोई कहे आपसे, बोले हम आपके गुरु भाई हैं, आप हमारी गुरु बहनें हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं। हम वहाँ शांति कुंज हुआ है, 10 बार हुआ है, 15 बार हुआ है, इतने संकल्प कर लिए, इतने अनुष्ठान कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरुजी हो गए। कई बार गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में दीक्षा देते हैं ना, तो बोलना चाहिए बाद में प्रतिनिधि के रूप में दीक्षा दे रहे हैं। शक्ति गुरुदेव की है, वंदनीय माता जी की है ना। आप कार्यक्रम में जाएंगे कई जगह आपको दीक्षा देनी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि वटवृक्ष गुरुदेव ही हैं, उन्होंने गायत्री प्रभाव को जन्म दिया, उन्होंने अंगूठा बिछाया विश्राम घाट पर, और लोगों को खड़ा किया, लोगों को प्यार दिया, आत्मीयता बांटी। संगठन में तपश्चर्या एक पहलू है, तो दूसरा पहलू है प्रेम भावनाएं। तपश्चर्या पहलू है, आप साधना कर रहे हैं ना, साधना मतलब तप, और उसके साथ साथ दूसरा क्या है, योग वाला। आप जब तक आप भावनाएं अपनापन नहीं देंगे तो वो नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। गुरुदेव ने 2 माला कराई, आत्मकल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए। क्यों कराई बताइए, क्यों कराई आत्मकल्याण लोक कल्याण के लिए? क्योंकि दूसरों के कल्याण के बिना अपना कल्याण नहीं है। हिंदू लोक कल्याण भी हो, हमारा भी कल्याण हो। और उसका 3री माला समष्टि के जो छाई हुई विपत्तियाँ हैं उनके निवारण के लिए। अहंकारी साधना को व्यक्तिगत जीवन में बरकरार नहीं रख सकता, और साधक जो है वो जीवन में साधना को कभी नहीं छोड़ सकता। अगर साधक है भले ही 1 माला करो, पर नियमित रूप से करो, निरंतर रूप से करो। कुश्ती लड़ने वाला और व्यायाम करने वाला नियमित रूप से करता है, को अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करता है, जिम में जाने वाला अपनी रेगुलर करता है। ये फिल्मी अभिनेता इतने दिखाई पड़ते हैं, ये सब आपको रेगुलर कर नहीं करेंगे तो इनके मसल्स दुखने लगेंगे, आपकी अंतरात्मा दुखने लगेगी यदि आप माला नहीं करोगे, गायत्री को आपने याद नहीं रखोगे। तो ये तप तो जरूरी है, योग जरूरी है, सब जरूरी है, पर ये सब साथ चलेगा तब। जब साथ चलेगा तो समूह साधना का प्रयोग इस साल किया गया, बड़ा सफल प्रयोग रहा है, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया पर प्रयोग रहा कि इस प्रयोग ने हमारे इस मिशन को न जाने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद के सहयोगी सहभागी तुरियानंद महाराज बनारस में रहते थे, कई लोग उनके पास आते थे, हम समाज सेवा करेंगे, ये समाज सेवा करेंगे। उन्होंने कहा बेटा समाज सेवा तो करना, पर सबसे पहले अपने अंदर के कोने को ठीक करना, ठीक है ना। घर के किसी कोने में धूप बत्ती जल रही हो तो पूरे घर में सुगंधी छा जाती है, और घर के कोने में चूहा मरा पड़ा हो तो पूरे घर में चूहे की दुर्गंध होती है। एक ईर्ष्या की दुर्गंध लिए बैठे हो, गुस्से की गंध लिए बैठे हो, और ये कि ये मेरे से बड़ा कैसे हो गया ज्ञान के मामले में ये लिए बैठे हो, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए व्यक्तित्व के कोने कोने में दुर्गंध घुसी पड़ी है तो तुम समाज सेवा काबिल नहीं हो। पहले समाज सेवा करने से पहले अपना मूल्यांकन हो। मूली खाते हो, प्याज खाते हो तो डकार आती है कि नहीं, लहसुन खाते हो डकार आती है कि नहीं, दुर्गंध फैलेगी। गुरुदेव ने कहा है
हमें संगठन में अपने को बीज की तरह गलाकर अपना परिष्कार करना है, गुरुदेव कहते हैं। कई बार गुरुदेव कहते थे, बेटा तुम अब आए हो पर हमने तुमको अपनी पूजा की कोठरी में पहले ही देख लिया था। आप जितने भी हैं आप सबको गुरुदेव ने अपनी पूजा की कोठरी में पहले ही देख लिया था। ये आने वाले हैं मेरे यहाँ, वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, एक ही नहीं लाखों नहीं करोड़ों को देख लिया था उन्होंने। आने वाले दिनों में जो आगे आके लीड लेंगे उन सबको देख लिया था। बड़ी भावनाओं मनोवेग से हमारी खातिर वर्षों तक तपस्या की है गुरुदेव ने, और जब संगठन से तुम टूटोगे, दुर्घटना होगी, पीड़ा होगी, तो गुरुदेव को भी होगी और आपको भी होगी। इसलिए आप कोशिश करना, अंगारा जब अंगीठी से बाहर निकल जाता है तो ठंडा हो जाता है, अंगीठी में रहते हुए ही उसकी तपस्या है, बस तब तक ही लाल है वो, उसके बाद नहीं है। बाहर निकलते बस राख जमी और उसके बाद ठंडा। इसलिए संगठन में जुड़े रहना क्यों जरूरी है, संगठन में संगबद्ध रहना जरूरी है, इसलिए कि हमको अपनी तपस्या को बनाए रखना है। मित्रों, भगवान का संविधान कर्म प्रधान है, कर्म विधान है पूरा के पूरा। चतुराई किसी काम नहीं आएगी, पुण्य से ज़्यादा पाप प्रकृति में विक्षोभ करता है। यदि संगठन में काम करेंगे लोग हमें देखेंगे कि हम कैसे हैं। एक हमारे यहाँ कार्यकर्ता थे, कई बार गुरुदेव के साथ भी चले, वो हमारे कुछ कार्यकर्ता ट्रेवल कर रहे थे, उसी के बाद की बात है, यात्रा में रेल में, तो उन्होंने टिकट लेते समय कहा, रिजर्वेशन का टिकट तब मिलेगा जब तुम 100 रुपये और एक्स्ट्रा दोगे। अब उस समय वो टीटी की ड्रेस में थे, टीटी थे टिकट कंडक्टर, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो हमारे यहाँ आए थे, आपने हमारे यज्ञ कराया था और आप यहाँ पैसे मांग रहे हो। तो बोले, अरे आपको कैसे मालूम कि हमने यज्ञ कराया था, हमने तो उस कपड़ों में भी नहीं है। बोले, नहीं, आपकी शक्ल से हमने पहचान लिया और अब आपको पहचान लिया, अच्छी तरह से पहचान लिया कि आप कैसे। मित्रों, आपका जीवन कैसा है, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, जीवन साधना है हो रही है कि नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें समाज में उतारा है, नदी में फेंका है, तैरना सीखना पड़ेगा। तैरना सिखाने वाला क्या करता है, नदी में फेंक देता है, हाथ पांव चलाते चलाते अपने आप तैरना आ जाता है। गुरुदेव ने नदी में फेंक दिया है, या तो हम डूबेंगे या तैरना सीख जाएंगे। कर्म में कुशलता हम सीख जाएँ, कीचड़ में लीन न हो जाएँ, हमारी चर्चा हम अपने व्यक्तित्व से करें। हम कितना अच्छा बोले ये नहीं, हमने कितने अच्छे कर्म किए, युग युग तक जगह याद करें तुम ऐसे कर्म करो। गला लिया हमने तो हमारे व्यक्तित्व की सुगंध परिकर में फैल जाएगी, इसीलिए संगठन साधना सत्र। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके लिए।